but behind closed doors, I'm a fool for your love. तो हेलो पीपल, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में घुमक्कड़ पहाड़ी के सीधा रोड़ू हिमाचल प्रदेश में। और हम कल रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैं आपको रात को ज़्यादा दिखा नहीं पाया था। तो ये देखिए, ये है मेरा प्यारा गांव, मैं उसे दिखाता आपको। देखो ना, रात में जो हम घर में गए थे, मेरे अंकल बाबू का घर है ये वाला ना, और ये रहे मेरे बिट्टू अंकल। हेलो, अभी हम ये लगे हुए सामान सुमून लेने, मतलब खांसी लग गई है इस टाइम पे मेरे को थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी ठंड, मतलब मौसम का चेंज हो जाता है। अच्छा, जैसे हम सोलन में रहते हैं थोड़ा वहाँ पर मौसम अलग है, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है। मतलब यहाँ पर इस टाइम पे भी गर्मी है, यहाँ पर टी शर्ट में घूम रहा हूँ मैं, पर जब शाम हो जाती है ना तो हल्की हल्की जैसी ठंड हो जाएगी। देखो नीचे से नहर जैसे बह रही है ना, अगर इसमें आवाज़ आ रही होगी पता नहीं, पर शायद आ रही होगी मेरे ख्याल से। चलो थोड़ी देर में हम नीचे चलते हैं पापा के, वहाँ पर जैसे हमारे खेत हैं वो देखो नीचे ना, दिखाता हूँ मैं वो नीचे आ गया। आ रहा हूँ हाँ, बस आया मैं, मेरे को खाने के लिए बता रहे हैं। मैं बता रहा था कि वहाँ पर जैसे मेरे खेत हैं नीचे ना, वहाँ पर अभी पापा काम वगैरह करने गए हुए, हम भी अभी थोड़ी देर में नीचे ही जाएंगे। अभी चलो मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ, सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं जाके। देखो मेरी मम्मी आ रही है, देखो पूरा देखो ट्रेडिशनल स्टाइल में, देखो पहाड़ी ड्रेस में, अच्छी लग रही है ना आप, तो बड़े अच्छे लग रहे हो यार। चलो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सीधा नीचे चलते हैं। पर उससे पहले चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्या करना मम्मी, और बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और पूरी वीडियो जरूर देखना, पूरी वीडियो जरूर देखना। चलो हम इस वीडियो को हम अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हो रहा है सिड्डू से। देखो हमारी चाची ने बनाए ये प्यारे प्यारे सिड्डू, देखो बस इंजॉय कर रहे हैं हम। ये किस चीज़ के सिड्डू, उसके भगजीदी के, किसके, बर्ड के सिड्डू है। हाँ, हमने बहुत अलग अलग टाइप के सिड्डू खा लिए इस साल। मम्मी ने बहुत खिलाए हुए नीचे, पर आज हम गांव में सिड्डू खा रहे हैं विद घी, बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है। थोड़ी देर में आप देखिए नीचे जाएंगे हम, फिर और मज़े करेंगे। देखो हमारे पास तनु भी है। ओह गलत जगह ले गया मैं, यहाँ है तनु। नहीं नहीं, ऐसी मिलर जैसे लग रहा था ना, देख ले। ओहो, ये थोड़ी पतली लग रही थी मुझे। अबे साले, है ना, ऐसी कोई जगह ये भी नाचेगी हिप हॉप करेगी इस घर के, घर भी बैठी होगी सोच रहा तनु आप इसी रूम पे हेडफोन लगा के ऐसा एडमिट बना रही होगी ये करके हेडफोन आई भी पीजा कह रही ना, है ना वो शगुन के साथ बैठ के ना वीडियो कॉल पे लगी होगी। हेलो शगुन, हेलो वही ना मो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, देखो अभी हम कहाँ से आए, वो नीचे से आए हम ऊपर। अभी पापा ऊपर वाले खेत में थे, नीचे वाले खेत में नहीं थे ना, जो वहाँ से पहाड़ दिख रहा होगा आपको। फिर हम वहाँ से आए नीचे से, पहले तो सीधा सीधा रास्ता आ रहा था यहाँ से ऐसे ऐसे करके ना, फिर यहाँ से चढ़े हम इधर को। अच्छा, फिर देखो देखो वहाँ पर ये लगाए हुए हैं पेड़ पुल, तनु चली गई तेज तेज बनी हुई आगे को, ये रुक जा गिरी हो ना तू। देखो इसमें फ्लावरिंग आ गई है इस टाइम पे, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। हाँ ये भी मस्त लग रहा है। ज़्यादातर गांव मेरे रिश्तेदारों से, यहाँ पर देखो यहाँ पर है, और वो मेरे पापा के फ्रेंड का घर है,
ऊपर वहाँ हमारा ऊपर हमारा तो ऊपर जाके है घर को। अभी आ गए देखो ये क्या लेके आए हुए, अभी अभी स्प्रे करेंगे हम इधर खेत पे। और इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, इतने में ही थक गई है। और कल लगी थी यार मैं ये लेके चलती हूँ, ये मोटा जैसा लेके चलती हूँ, सारी टी शर्टें वैसे सारी टी शर्टें सोलन में छोड़ के रखी हुई है, 1.5 लाख कपड़े लेके आती है, हर दूसरे दिन पार्सल आता है और लेके आती है। हाय हाय ये लड़की भी ना है, देखो तो जरा इसको ये देखो ऐसे चढ़ते हैं यहाँ पर समझी, निकालना होता है ना यहाँ तक साफ करना पड़ता है, सेब के पौधे में भी सेब। अच्छा अच्छा हो गया, अभी दोबारा इसमें अभी हमें साइड का एक्सेस निकालेंगे हम जो जो लगा होगा। छोड़ा छोड़ा लगा मेरे से बुरा। देख दो इसमें ऐसे मारते हैं स्प्रे, तेरे को आती ये वाला होता है नाशपति का पेड़ और ये वाला होता है हमारे सेब का पेड़। देखो ये कैसे हो जाता है साइड में, छोटे ज़्यादा छोटे होते हैं और इसमें ही बहुत ज़्यादा सेब लग जाते हैं। देखो साइड में गिरने लग जाते हैं और ये सीधा सीधा जाता है ऐसे करके ज़्यादातर। और ये यहाँ पर टेढ़ी, ये भी यहाँ पर टेढ़ी है देखिए। अब देखो हम इसे छोटे से पेड़ जो लगाए हैं हमने उसके साइड का घास निकाल रहे हैं, अभी ढूंढेंगे हम साइड में। देखो मैं यहाँ पर मेरे को यहाँ मिला है, देखो इसके साइड का हम घास निकालेंगे जो भी है ना। जड़ से मैं भी नहीं, पहले थोड़ा मैं ज़्यादा करके नहीं कर रहा था ना ताकि ये ना निकल जाए नीचे से, पर नीचे काफ़ी नीचे तक खोद होता है इसको। आ ही गया। तो काफ़ी देर से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और थोड़ा सा थक गया हूँ, देखो हाथ में थोड़े बहुत ये गंदे हो गए हैं और मैंने बहुत काम किया। जो ये छोटे छोटे पौधे हैं ना इसके साइड से मैंने घास सारा निकाल दिया ना, आज मैंने पहली बार काम किया खेत में। आज तक मैंने कभी काम नहीं किया था, मैं जब छोटा था तो पापा करते थे, तब मैं सोचा इस बार मैं भी कर लेता हूँ जाके, मैं वेला तो था, मैं सोचा काम भी कर लेते गांव जाके। और साथ ही साथ में आपको वीडियो भी मिल जाएगी, वो देख भी लोगे कि एप्पल ऑर्चर्ड्स कैसे होते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर नाशपति का पेड़ भी है, जो ये नाशपति का पेड़ भी, ये भी देख सकते हैं आप। नाशपति का प्लम वगैरह भी होते, प्लम वगैरह के ऊपर हो गए, हमने इधर नहीं लगाए हैं
मेरे बड़े पापा वगैरह है उन्होंने लगाए हैं एक समय ये प्लम वगैरह के, पता नहीं अभी लगाए होंगे कि नहीं, पर होते हैं काफ़ी प्लम वगैरह होता है, आलू होता है, इधर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मैक्सिमम जो जो घर का खाना वगैरह था वो घर पे यहाँ पर ही उगा लेते हैं लोग, तो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब कि बहुत कम चीज़ें लेके आ सकते हैं हम बाज़ार से, मतलब ज़्यादातर हमारे खेतों में हो जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फ़िलहाल हम जाएंगे अभी परे, परे मेरे पापा और तनु बैठे हुए, तनु तो थक गई थी बेचारी, तनु तो बोल रही थी कि ये देखो यहाँ पर कैसे कैसे जाना होता, और देखो वहाँ से कितना सुंदर लगता है ना यहाँ से देख के ना, ये मेरे नाम नहीं पता मेरे को मेरे भाई ने बताया था कि सर वो पहाड़ वाला पहाड़ देखा है, वो वाला पहाड़ मस्त, एकदम मस्त जगह है वहाँ पर, आगे पता नहीं चांचल घाटी मेरे को नहीं पता कौन सी वाली है, पर शायद यहाँ इधर नीचे नहीं दिखेगी चांचल घाटी वैसे, पर चांचल बहुत ज़्यादा सुंदर, जिस टाइम हम गए थे वहाँ पर बहुत मज़ा आया था वैसे, वो देखो वहाँ पर वो पार मस्त, देखो कैसे घर अच्छे घर लगते हैं बिल्कुल ही, गांव के घर ऐसे ही होते, देखो कैसे कैसे कहाँ कहाँ घर बनाए हैं, देखो वो पहाड़ी में भी घर है, वो भी है उधर, देखो ज़्यादातर देवदार के, और तो नहीं नाम गया मैं सीसी से होता है कुछ नाम ना उसका पेड़ का नाम, मेरे को कल बताया था पापा ने पर मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब ज़्यादातर वही पेड़ होते हैं, मतलब ऊपर जंगलों में जो जहाँ पर हैं तो ज़्यादातर लोगों ने एप्पल के लगाए होते पेड़, और हमारे देखो ये देखो छोटे छोटे ये पेड़ है ना, ये अभी बड़े हो रहेंगे भाई, इसके साइड का देखो ये यहाँ पर निकाल के साइड किया है, ये देखो ना साइड में किया है ये वाला सारा, जो ये मतलब एक्स्ट्रा जहाँ पर इसमें घास वगैरह उग जाता है, मतलब जो पत्ते पुत्ते उग जाते हैं ना उसको निकालना, तो उसको बोलते हैं ये रोड़ा उसको बोलते हैं रोड़े बोलते हैं उसको, ये देखो वो देखो मेरे पापा वहाँ पर काम कर रहे हैं इस टाइम, और यहाँ पर मेरा देवता नारायण का मंदिर भी है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जाते जाते दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है वो, जब देवता नारायण फिर से आएंगे ना, मतलब इस बार आना था पर आ नहीं पाए थे, जब आएंगे तब मैं ज़रूर आऊँगा गाँव में, फिर आपको भी दिखाऊंगा मैं, है ना, तब आएगा मज़ा, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे वो नाश्ते वगैरह, बहुत सारे बहुत बड़ा फंक्शन होता है इधर, और देखिए देखो यहाँ पर ये देखो इस लड़की को, थकी हुई लड़की कुछ काम नहीं किया फिर भी थक गई, नहीं नहीं इसने बहुत काम किया थोड़ा, जैसे सो ये देखिए हमारे गांव का मंदिर, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है ना ये ना, और देखो यहाँ पर भी एक और मंदिर है, और जो बड़ा मंदिर है वो यहाँ से आगे जाता है ना नारायण, वहाँ आता है वो बड़ा मंदिर जो मैंने आपको कल दिखाया था वीडियो में, कल रात को वीडियो में दिखाया, मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें आप जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको ज़रूर दिखाया होगा उस मंदिर के बारे में भी बताया होगा, और वो देखो मेरे पापा वहाँ पर खड़े हुए हैं, तो अभी हम आए हैं हमारे दूसरे साइड के खेत की तरफ, और देखो मेरे पापा वहाँ पर स्प्रे वगैरह कर रहे हैं, और ये तनु लगी हुई है मचकते चलने लगी हुई है, गिरियो ना तू हाँ और मैं कहीं उसको बोल रहा और मैं साथ ही में कहीं मैं ना गिर जाऊँ, क्योंकि जो रास्ता है देखो ना ये ना इसमें घास घूस होता है ना तो उसके से गिर भी जाते हैं कभी कभी, देखो यहाँ पर इसमें तौलिए बनाए, मतलब इसको खुदाई वगैरह कर दी है यहाँ पर, देखते इसको तौलिए बोलते हैं, वो काम हो गई यहाँ, वो देखो इस साइड को है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, हाँ दिख रहा होगा थोड़ा सा, देखो वो देखो हाँ जिसे थोड़ा सा वो देखो उधर साइड को ना दिख रहा होगा नारायण मंदिर, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है, और ये देखो सामने ही ज़्यादा
इतना ज़्यादा सुंदर पहाड़ और नज़ारे, अमेजिंग। और ये रहा मैं। चलिए फिर थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा काम कुम भी करते हैं साथ में, है ना। यहाँ पर लग नहीं रहा मेरे को ज़्यादा काम। पापा यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर निकालने वो छोड़े, क्या वो छोड़े? अच्छा अच्छा चलो ठीक है ठीक है। तो अगर आप जानते होंगे ये हमाम, यहाँ पर पहाड़ों में जैसे अगर लाइट नहीं होती है तो इसके अंदर लकड़ी डाल के, जैसे ना यहाँ से अंदर ना लकड़ी डालते हैं और अलग से एक बाल्टी रखी होती है, वहाँ से ऊपर से पानी डालते हैं बाल्टी से, मतलब जग से डालेंगे यहाँ पर, और वैसे ही करके यहाँ से पानी निकलते रहेगा थोड़ा 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 करके। इस अभी हमारे पास हमारे बड़े पापा ने, देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं गुच्छी, चेऊ भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में अभी मेरे को पता नहीं है क्या बोलते हैं, पर इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा प्राइस है। कितना है इसका, कितने में बिकती है बड़े पापा? 10,000 रुपये के जी के हिसाब से बिकती है। मतलब ऐसे ही ना, अगर अगर 5 स्टार वगैरह में तो ज़्यादा बिकेगी ना, तो 30-40 हज़ार रुपये बिकती है। हाँ 30,000 रुपये हम लोग 10-15 हज़ार के बीच में बेचते हैं। अच्छा 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 हाँ, तो बहुत ही साल में तकरीबन हर वर्ष 8-10 हज़ार की गुच्छी का व्यापार करते हो? खुद उठाते हो? अपने बगीचों से उठाता हूँ। वाह भाई, इसकी मतलब देखो जरा ना, मतलब ये उसके बाद इसको सुखाने रखते हैं ना ये ना? हाँ, ये सुखा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सूखी गुच्छी का टेस्ट कुछ और होता है। हाँ, और जो ताजा गुच्छी हो उसका हाँ, टेस्ट उतना नहीं होता। अच्छा 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 हाँ, देखने में बड़ी मजेदार लगती है ना ये ना, मतलब की कहाँ कहाँ मिलती है हमारे को? जैसे नहीं हमने, मेरे को भी इन गुच्छियों को लाने में मुश्किल से 10 मिनट लगे। 10 मिनट लगे घर से गया, ऐसे ही अपने बगीचे में टहलने गया और ये गुच्छियाँ मिल गई। हाँ, वो जिसको पता है उसको मिल सकती है गुच्छी में ना? वही फटती है जहाँ पर आपकी रिवन बोलते हैं, रिवन ना, रिवन मतलब रिवन मतलब जहाँ इस साल होगी उस, हाँ, उसी साल उसी अगली साल उधर होगी, उधर ही पक्का मिलेगी। हाँ अच्छा 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 हाँ, मतलब कि कौन से मौसम में मिलती है ज्यादातर ये, मतलब किस टाइम पे मिलती है? मार्च और अप्रैल के टाइम में मिलती है हमारे को ये। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये देखो हमारे को क्या मिला है यहाँ पर, प्यारा सा बिल्लू, प्यारा बिल्लू सोया आराम से। ये अभी मैं अपने बड़े पापा के घर पे हूँ, इनका थोड़ा घर का काम चल रहा है यहाँ पे, और साथ में हम लंच वगैरह करा था, उसके बाद मज़ा आ गया भाई, थक गया था मैं थोड़ा काम करके नीचे, और अब अच्छा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर रहा हूँ। बड़ा प्यारा बिल्लू है यार ये, देख के ना इतना अच्छा लग रहा, सा लग रहा है ये। और ये मेरी बड़ी अम्मा है, देखो देखो। हाँ नहीं नहीं, वीडियो बना रहा हूँ मैं। बिल्लू। सो फाइनली हम लोग घर आ गए, और अभी हम खा रहे हैं ये बुलका है और ये राजमा की दाल, ये लोकल में मिलते हैं हमारे को। यहाँ पर बुलका होता है मतलब जैसे पालक होता है ना वैसा ही होता है, और ये हमारी प्यारी अम्मा ने बनाया हमारे लिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये वाला भुलका अम्मा।